नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया कि 12 मई से 15 शहरों के लिए 15 जो जोड़ी ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। इसको लेकर के तैयारियां पटना जंक्शन पर जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। पहली ट्रेन जो है वो दिल्ली से पटना आएगी और इसको लेकर के देखिए किस तरीके से ट्रेन आएगी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकेगी और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखवाने के लिए इस तरीके से जो है वो मार्किंग्स कर दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहली यात्री ट्रेन होगी जो कि आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर बात करें पिछले करीब करीब 1.5 महीने के वक्त से ज़्यादा वक्त की, तो ट्रेनें पूरी तरीके से बंद थीं और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की वजह से, और उसके बाद अब ये ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। IRCTC पर ऑनलाइन जाकर के जो लोग हैं वो निबंधन करा पाएंगे, टिकट जो है वो ले पाएंगे और इन टिकटों के सहारे जो है लोग जो है वो दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली जा पाएंगे। और इसमें अलग अलग स्टॉपेज हैं जहाँ पर लोग जो है वो इन स्टॉपेज पर रुकेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 5 ट्रेनें हैं जो कि बिहार से होकर ही गुजरेंगी, यानी कि बिहार के दूसरे स्टेशन पर रुकेंगी, जिसमें हावड़ा जो नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस है वो गया जंक्शन रुकेगी। उसके अलावा अगर बात करें नई दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, वो पटना का दानापुर और साथ साथ रुकेगी आपको कटिहार जंक्शन पर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर। तो इस तरह से कुल अलग अलग स्टेशन पर जो ट्रेनें हैं वो रुकेंगी पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1, और जो ट्रेनें फ़िलहाल आएंगी वो सिर्फ आएंगी पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहीं से वो ट्रेन जाएंगी। यात्रियों से इस बात को लेकर के अनुरोध किया गया है कि सभी जो लोग होंगे वो एक एक घंटे कम से कम पहले आएंगे ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो पाए। सर्दी खांसी के लक्षण होने के बाद किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 22 मार्च के बाद से पटना जंक्शन पर जो यात्री ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। फिलहाल बात करें तो बिहार में कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगातार आई हैं और आ रही हैं, और इन ट्रेनों के सहारे बड़ी संख्या है वैसे लोगों की जो कि बिहार आ रहे हैं। तो यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं ताकि जो लोग हैं वो आ पाएँ पटना, जो पटना जंक्शन जो यात्री पहुँचेंगे उनके लिए तैयारियाँ जो है तमाम तरह की गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये जो 5 जो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, उसमें पहला पॉइंट ये है कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि स्टेशन पर 1 घंटे पहले आना होगा। तीसरी बात कि सारी ट्रेनें AC हैं। चौथी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा, सर्दी खांसी के लक्षण होने के बाद आप ट्रेन पर बोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन ट्रेनों में आपको AC, ब्लैंकेट्स, चादर और खाने पीने की कोई चीज़ फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी। 15 शहर हैं जहां पर भारतीय रेलवे 12 जो मई है उस दिन से ट्रेनें चलवा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन ट्रेनों के सहारे लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।